नासिर खोसा जाती उम्रा गैर कानूनी सड़क की तामीर के केस में भी मुलव्विस करार। नामजद निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब 2 हफ्ते कबल नैब में पेशी भुगत चुके हैं। नासिर खोसा पर 1999 में बतौर डिप्टी कमिश्नर लाहौर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। 1958 में शरीफ खानदान के बैंक कर्जे स्टील कराने में भी अहम किरदार अदा किया। इस हवाले से मजीद जानेंगे हेड ऑफ स्पेशल प्रोजेक्ट जुल्फकार अली महतू से। जी जुल्फकार अली महतू, आगाह कीजिएगा। वो उसमें हमने ये इंकशाफ किया है कि नासिर खोसा के शरीफ खानदान से बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और वो उनके लिए कारोबारी लिहाज से भी सूदमंद साबित होते रहे हैं। खबर के मुताबिक जो हमने लिखा है उसमें ये है कि नासिर खोसा 2 हफ्ते पहले जाती उम्रा में, जो 1999 का केस है, जाती उम्रा में एक सड़क जो जा रही थी शरीफ खानदान के घर की तरफ, उसको 20 फुट से 24 फुट चौड़ा किया गया था और उसमें जिला काउंसिल लाहौर के फंड इस्तेमाल किए गए थे। इस सिलसिले में नैब ने उनको तलब किया था, जो उसके बाद वो पेश भी हुए 2 हफ्ते कबल। और उससे इसके अलावा हमने एक जो नई खबर दी है वो ये है कि नासिर खोसा ने बतौर डिप्टी कमिश्नर जो इत्तेफाक फाउंड्रीज की जमीन थी 800 कनाल, उसका एक नोटिफिकेशन किया जिसके तहत डीसी रेट बढ़ा दिया गया और उससे शरीफ खानदान को रातों रात 40 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, क्योंकि उस जमीन की कीमत उस नोटिफिकेशन की वजह से 40 करोड़ रुपए बढ़ गई थी। और फिर एक साल के बाद जब वो जमीन बैंकों को कर्जे सेटल करने के लिए दे दी गई थी, उसके बाद उस जमीन का, वो बड़ी जमीन की कीमत का नोटिफिकेशन एक साल के बाद वापस हो गया था। तो इस तरह से नासिर खोसा पे ये इल्जाम है कि उन्होंने शरीफ खानदान को माली लिहाज से भी करोड़ों रुपए का फायदा दिया। शुक्रिया जुल्फकार अली महतू आपका।